वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास फोर्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ चैप्टर। नेम ऑफ द चैप्टर इज डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स गौरव। ओके, हियर आर सम क्वेश्चंस। डू यू अंडरस्टैंड द टर्म डिग्निटी? क्या आप गौरव शब्द से परिचित हैं? हाउ कैन यू से वर्क इज वर्शिप? आप किस तरह कह सकते हैं कि कर्म ही पूजा है? व्हाट इज द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्क? आपका कार्य करने का सही तरीका क्या है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर। देयर आर पीपल हु डू नॉट लाइक टू डू सर्टेन वर्क थिंकिंग दैट इट इज बिलो देयर डिग्निटी। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी किसी कार्य को करना पसंद नहीं करते जो उनके गौरव से परे हो या उनके गौरव को ठेस पहुंचाता हो या जिसको वो छोटा कार्य समझते हैं। दे इवन हेट दोज पीपल हु डू सच वर्क एज स्वीपिंग द रूम, क्लीनिंग द टॉयलेट और ड्रेन एंड सो ऑन। और इस तरह के लोग ऐसे लोगों से भी घृणा करते हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि स्वीपिंग द रूम, कमरे में झाड़ू लगाना, क्लीनिंग द टॉयलेट और ड्रेन्स, और जो शौचालय होते हैं और नाली होते हैं उनकी साफ सफाई जो लोग करते हैं और इस तरह के जो कार्य करते हैं, तो जो कुछ लोग ऐसे लोगों से भी घृणा करते हैं। बट रिमेम्बर, लेकिन याद रखिए, नो वर्क इज मेन। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। देर इज नथिंग रॉन्ग और डिसग्रेसफुल इन डूइंग सच वर्क। कोई भी कार्य करने से कुछ भी शर्मिंदगी या जो अपमान की भावना मन में आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। इट डज नॉट डिग्रेड एनी बडी, रादर इट इनहेंस वंस इमेज और सेल्फ रेस्पेक्ट। यह किसी को नीचा नहीं करता है बल्कि इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। एज इज सेड, जैसा कि कहा गया है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। If you do your work with your own hand, यदि आप अपना कार्य स्वयं करते हैं, it will give you pleasure, तो इससे आपको आनंद मिलता है। It will lessen your dependence on others, it will increase your self-confidence, और इससे पता चलता है कि आप कितने निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, और it will increase your self-confidence, और इससे आपके आत्मसम्मान भी बढ़ता है। वर्क हैज इट्स ऑन डिग्निटी। कार्य खुद में एक अपना गौरव रखता है। सो देर इज नो रीजन टू बी असेम्ड ऑफ इट। और इसलिए कोई भी ऐसा कारण नहीं होता कि आपको किसी कार्य करने से आपको शर्मिंदगी महसूस हो। रादर यू शुड फील प्राउड दैट यू आर नो डिपेंडेंट ऑन अदर्स। बल्कि आपको तो इस प्रकार कार्य करने से गौरव की या गर्व की प्राप्ति होगी और ये आपके मन में फीलिंग आएगी कि आप दूसरों पर निर्भर नहीं हैं फॉर योर वर्क, अपने किसी भी कार्य के लिए। दिस फीलिंग विल हेल्प यू टू एप्रिसिएट वर्क। और यह भावना आपको कार्य की प्रशंसा करने में मदद करेगी। एंड दिस इन योर ट्विन विल लीड यू टू सक्सेस और एंड ग्रेटनेस। और इस तरह की जो भावना है कि आप प्रत्येक कार्य को पूजा मानकर करेंगे, तो इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपको महानता की प्राप्ति होगी। वी ऑल ड्रीम फॉर हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ। हम सभी का सपना होता है, क्या सपना होता है? जीवन में सफलता पाना और खुशियां पाना। दिस कैन बी पॉसिबल ओनली इफ वी डेवलप द राइट एटीट्यूड टू वर्क। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने अंदर सही तरीके को विकसित करें। क्या तरीका? कार्य करने के सही तरीकों को अपने मन में विकसित करें। इट कैन डेवलप इफ वी लर्न टू डू इट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। और यह कब विकसित हो सकता है? यह तभी विकसित हो सकता है जब हम सीख जाएं सही तरीके से, शुरुआत में ही सही तरीके से कार्य करना सीख जाएं। यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग दिस हैबिट बाई टेकिंग केयर ऑफ लिटिल थिंग्स सच एज अरेंजिंग योर बुक्स, क्लॉथ, स्कूल यूनिफॉर्म एंड शूज। You can clean your room and reading table, okay? और ये छोटी छोटी चीजें, बिगनिंग मतलब शुरुआत से अच्छा कार्य करना कहाँ से सीख सकते हैं? आप शुरू कर सकते हैं इस अच्छी आदत को अपने अंदर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि आप अपनी बुक्स, अपनी किताबें व्यवस्थित ढंग से लगा सकते हैं, अपने कपड़ों को प्रॉपर वे में रख सकते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म को सही ढंग से रख सकते हैं, अपने शूज प्रॉपर प्लेस पर रख सकते हैं, और
आप अपने कमरे की सफाई कर सकते हैं और आपकी रीडिंग टेबल जो है जिस पर आप बैठकर कार्य पढ़ाई करते हैं उसको साफ रख सकते हैं। यू कैन पॉलिश योर शूज, आप अपने शूज को पॉलिश कर सकते हैं, स्टिच बटन्स और आप अपने बटन भी लगा सकते हैं एंड प्रेस योर क्लॉथ्स और प्रेस कर सकते हैं अपने कपड़ों पर, प्रेस भी कर सकते हैं, आयरन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन हैंड्स विद द अदर इन क्लीनिंग द हाउस, वर्किंग इन द गार्डन एंड कीपिंग अदर थिंग्स नीट एंड क्लीन। और आप हाथ बटा सकते हैं घर की साफ सफाई में और बगीचे की साफ सफाई में और अपने आसपास के एरिए को साफ सुथरा रखने में भी आप मदद कर सकते हैं, हाथ बढ़ा सकते हैं। इट विल गिव यू इमेंस प्लीजर एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस विल गो ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। और इससे आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी और आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। ऑल ग्रेट मैन लव टू डू देयर वर्क बाय देयर ऑन हैंड्स। बहुत सारे यानी कि सभी महान व्यक्ति अपने कार्यों को स्वयं करना पसंद करते थे। While in Sabarmati Ashram, Mahatma Gandhi liked to do all his work himself. जबकि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी भी अपने सभी छोटे छोटे कार्यों को स्वयं करते थे। He washed his clothes and utensils. वह अपने बर्तन और कपड़े खुद धोते थे। Washed his plates, अपनी प्लेटें धोते थे। Swept his room, अपने कमरे में झाड़ू लगाते थे। And cleaned his toilet, और अपने शौचालय को भी साफ करते थे। He even looked after the patients in the hospital of Ashram. और वह आश्रम में जो अस्पताल था उसमें जो मरीज थे उनकी भी देखभाल करते थे। हिज वाइफ बा ऑल्सो वर्क्ड इन द किचन, और उनकी पत्नी जो बा थी वो भी किचन में कार्य करती थी एंड कुक्ड फॉर इनमेट्स ऑफ आश्रम, और आश्रम में वो खाना वाना बनाती थी। वंस अ बॉय वॉज लाइंग इल विद डिसेंट्री इन द आश्रम हॉस्पिटल। एक बार आश्रम के अस्पताल में एक लड़का पेचिस से परेशान था या उसको पेचिस की बीमारी थी। एज यूजुअल, और हर रोज की तरह गांधी जी विजिटेड हिम डेली। गांधी जी उससे रोज मिलने आते थे या उसे देखने आते थे। व्हेन ही फाउंड दैट द बॉय इज बेटर देन द प्रीवियस डे ही आस्क्ड हिम इफ ही वुड लाइक टू टेक समथिंग। और जब गांधी जी ने ये पाया कि वह उस लड़के की तबीयत में पहले दिन की अपेक्षा सुधार आ गया है तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वो उसे कुछ चाहिए या वो कुछ लेना पसंद करेगा। द बॉय वॉज फॉन्ड ऑफ कॉफी, लड़का कॉफी का शौकीन था। ही रिक्वेस्टेड गांधी जी फॉर अ कप ऑफ हॉट कॉफी, तो उस लड़के ने गांधी जी से प्रार्थना की कि गांधी जी उसको गर्म कॉफी की व्यवस्था करा दें, गर्म कॉफी दिला दें। इट वॉज एन ऑड आवर एंड बा वॉज टेकिंग रेस्ट। यह मतलब आराम करने का समय था और जो बात ही वो आराम कर रही थी। गांधी जी डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हर, और गांधी जी बा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, परेशान करना नहीं चाहते थे। ही हिमसेल्फ प्रिपेयर द कॉफी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही कॉफी तैयार की एंड वॉर्म टोस्ट, और टोस्ट गर्म किए फॉर द बॉय, लड़के के लिए, एंड देन सर्व हिम, और उसके बाद उस लड़के को वो दे दिए। व्हेन द बॉय न्यू ऑफ इट, और जब इस बात के बारे में उस लड़के को पता चला, ही वॉज टेकन अबैक, तो वह स्तब्ध रह गया या वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। दिस वॉज गांधी जी वे ऑफ टीचिंग टू अदर्स द डिग्निटी ऑफ वर्क, और यह गांधी जी का तरीका था कि वो किस तरह से दूसरों को ये सिखाते थे कि कर्म ही जो पूजा होता है या कर्म कोई काम करने में बहुत ज्यादा गर्व की प्राप्ति होती है। ही वॉन्टेड अस टू बी इंडिपेंडेंट, और वे चाहते थे कि हम भी इंडिपेंडेंट बने या आत्मनिर्भर बने। ही वॉन्टेड टू टीच अस दैट नो वर्क इज मेन, और गांधी जी हमें पढ़ाना चाहते थे, ये सिखाना चाहते थे कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। ही वॉन्टेड अस नो टू फील दैट नो वर्क इज मेन, और वो यह चाहते थे कि हम भी इस बात को महसूस करें कि कोई कार्य तुच्छ नहीं है। When such a great man sets an example, the other are found to follow without any hesitation. जब इस तरह के महान व्यक्ति ऐसा अच्छा उदाहरण हमारे सामने रखते हैं तो किसी को भी उनको अनुसरण करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। अब्राहम लिंकन द फेमस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑल्सो लाइक टू डू हिज वर्क विद हिज ओन हैंड्स। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे या राष्ट्रपति थे, फेमस थे, काफी प्रसिद्ध थे, ऑल्सो लाइक टू डू हिज वर्क विद हिज ओन हैंड्स,
वे भी सभी कार्यों को अपने सभी कार्यों को अपने हाथों से करना पसंद करते थे या स्वयं करना पसंद करते थे. ही डिड नॉट लाइक टू गेट हिज वर्क टू डू बाई हिज असिस्टेंट्स. और वे नहीं चाहते थे कि उनके जो कार्य हैं उनके सहायक करें. वंस अ फॉरेन डिग्नेटरी केम टू विजिट हिम इन द व्हाइट हाउस. एक बार उनसे मिलने एक विदेशी आए. विदेशी जो गणमान्य होते हैं वो आए उनसे मिलने. कहाँ? व्हाइट हाउस में. व्हेन ही एंटर्ड द रूम, जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, ही फाउंड द ग्रेट प्रेसिडेंट हिमसेल्फ वाज पॉलिशिंग हिज शू. तो उन्होंने देखा कि वो महान राष्ट्रपति अपने शूज को, अपने जूतों को खुद पॉलिश कर रहे हैं. एंड द डिग्नेटरी वाज टेकन अबैक. वे जो विदेशी गणमान्य थे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए. ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, Why do you polish your shoes? On shoes. आप अपने शूज स्वयं पॉलिश क्यों कर रहे हैं? The president smiled. राष्ट्रपति मुस्कुराए. Why? क्यों? Who polishes yours? आपके जूते कौन पॉलिश करता है? He asked. उन्होंने पूछा. The visitor realized and was ashamed. अब विजिटर जो था, वो जो विदेशी गणमान्य था, वह उसको वास्तविकता के का ज्ञान हुआ और he was ashamed. और वास्तविकता को जानने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ. These great men have shown us that no work is mean. और ये महान व्यक्तित्व जो हैं, इन्होंने हमें ये दिखाया है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता. They have taught us the way of true greatness. और उन्होंने हमें महानता की तरफ जाने वाले रास्ते को बताया है या समझाया है. Should we not follow the example set up by such great men? और क्या हमें इतने महान व्यक्तियों के द्वारा दिए गए जो उदाहरण हैं उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए? Should we not believe in the dignity of labor? क्या हमें कार्य में जो गर्व है, गौरव है, उसको नहीं, उसमें विश्वास नहीं करना चाहिए? So, इसलिए the moral is, हमें शिक्षा क्या मिलती है? Work and shame from no condition rise. Act well, depart, these all the honor lies. कोई भी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति को शर्मिंदा या सम्मानित नहीं कर सकती. आपको केवल अपना कार्य उचित ढंग से करना है और उसी में आपका सम्मान छिपा रहता है. ओके, वी कम टू द फैक्ट नाउ. फैक्ट इज द मोस्ट करेजियस एक्ट इज डूइंग अवर वर्क अवर सेल्स वेयर एवर वॉट एवर इज द वर्क. सबसे साहसपूर्ण कार्य क्या होता है? वह होता है अपना कार्य स्वयं करना. वॉट एवर द वर्क इज, कार्य फिर चाहे कुछ भी हो. ओके स्टूडेंट्स, Thanks a lot for being with us.